आज हम ड्राई फ्रूट मिठाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम खजूर लिए, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम नारियल का बुरादा और 100 ग्राम ही कसकस और 50 ग्राम सीट, 1 चम्मच इलायची पाउडर टीस्पून और 5 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम घी। इन सब के हमने एक पीस के 4 टुकड़े कर लिया। अब इन सबको एक साथ भून लेते हैं। मध्यम आंच में हम इनको भूनेंगे। के लिए हमने इनको भून लिया है। 1 मिनट के लिए हम इस स्वीट्स को भून लेते हैं मध्यम आंच में। गए हमारी स्वीट भून के तैयार हो गई। अब इनको निकाल लेते हैं। हम कसकस भूनेंगे 1 मिनट के लिए, आंच को मिडल ही रखेंगे। कसकस भून के तैयार हो गई, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी घी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम खजूर भूनेंगे। मिनट तक हम इसे धीमी आंच में भूनेंगे। ये हमारे खजूर तैयार हो गए। अब इनको हम ठंडा करेंगे 10 मिनट के लिए। ठंडे हो गए, अब इनको मिक्सर में पीसेंगे। मिक्सर में हमने सब डाल दिया, अब हम पीसेंगे। ये से हम इनको पीस लिए, खजूर पीस के इसमें निकाल लिए। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट नारियल ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर, पिस्ता और आधी कतरन आधी हम ऊपर लगाएंगे इसके। अब इसके हम इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। अब हम कसकस में इसको डिप कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी ड्राई फ्रूट मिठाई बनके तैयार हो गई है।